इंडिया पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एशिया कप के मुकाबले में शुरुआत में टीम इंडिया संघर्ष करते नजर आई। दरअसल में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के आगे भारतीय बल्लेबाजों ने घुटने टेके, लेकिन जैसे ही टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अपना विकेट गंवाना शुरू किया, वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए, जिसमें से एक ऐसा रिएक्शन था जिसे देखकर भारतीय फैंस नाराज हो गए। ये रिएक्शन आया पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की तरफ से। इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है तब भी शोएब अख्तर एकदम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। उनका ट्वीट हो, इंस्टाग्राम पर उनका कमेंट हो, वो लगातार एक्टिव रहते हैं और कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं। ऐसा ही उन्होंने तब किया जब शाहिन शाह अफरीदी और हारिस राउफ ने मिलकर टीम इंडिया के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने ट्वीट करते हुए सबसे पहले लिखा बॉयज, इसका मतलब तो यही था कि उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाजों की तारीफ की है। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो डाली, उस वीडियो में कैप्शन था कितने आदमी थे, यानी कि शोले का इन्होंने एक डायलॉग बोला कितने आदमी थे, और इसमें शोएब अख्तर ने पूरे पाकिस्तानी टीम की तारीफ की। इस वीडियो में वो पाकिस्तान के गेंदबाजों की तारीफ कर रहे हैं, इस वीडियो में वो भारतीय बल्लेबाजों को नीचा दिखा रहे हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान टीम की वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद शोएब अख्तर ने सोचा नहीं था। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने पांचवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी करते हुए अख्तर को एक करारा जवाब दिया। शोएब अख्तर ने इससे पहले भी कई मैचों में टीम इंडिया को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, और इस बार भी वैसे ही हुआ। बीच मैच में उन्होंने इस तरह का वीडियो पोस्ट करते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाजों को नीचा दिखाने की जरूर नाकाम कोशिश की, लेकिन उसके बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए उनको करारा जवाब दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बने रहिए वन इंडिया के साथ।